अगेन मैं वापस आ चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो आज है, वापस मैं डेट क्यों भूल जाती हूँ, आज से है 16 दिसंबर और मैं कल मुंबई जा रही हूँ। तो मुझे अहमदाबाद के जितने काम हैं थोड़े कंप्लीट करने थे। मुझे एक डिज़ाइनर के पास जाना था, फिर एक ज्वेलरी के वहाँ पे जाना था, थोड़ी कुछ ज्वेलरी लेनी थी और ये सब चीज़ें हैं। और ऊपर से आज मेरे घर पे मेरे चाचा चाची आए हैं, मेरे कजिन्स आए हैं सब, और मेरी स्कूल की एक फ्रेंड भी आई है। तो आज गेस्ट भी है प्लस बहुत सारे काम भी है, तो सोचा कि आज फन डे होगा तो मैं ब्लॉग भी साथ में बना लूँ। मैं सबको सबको अब मिलाती हूँ आपको, चलो। सो ये सब मेरे कजिन्स, मेरे चाचा का लड़का, मेरी चाची, फिर ये मेरा दूसरे बड़े पापा का लड़का और वो मेरी फ्रेंड, और वहाँ पे मेरी मम्मी किचन में। तो आज हमारा गेट टुगेदर काइंड ऑफ है मेरे घर पे। अभी एक और कजिन आना बाकी है, वो अपनी फ्रेंड के घर पे, तो वो भी आ जाएगा ना एक घंटे में। हाँ, उसको लेने जा रहा है ये कजिन, और मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए, फिर हम वापस आ जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर व्लॉग में अबाउट मी। हाँ, तो अभी मेरी तारीफ सुन ली क्या, आई एम बेस्ट, तब हम आगे। हाँ, काकी भी कुछ बोलेंगे। मने प्राउड छे के मारा આવી દીકરી છે, એના થકી અમે ઓળખાઈ છે। તો આજ મેરી બહોત સારી તારીફ હો ગઈ, તો અબ મેં આજ હવા મેં રહુંગી થોડા સા। अभी देर से भी बात होगी, पर देर से कार में बात होगी, ठीक है। लिफ्ट में जाते हुए हम ये दो मेरे कजिन्स जा रहे हैं अपने ओके जितने लगा था मुझे ना, हाँ, मेरी दूसरी कजिन को लेने, और हम दोनों जा रहे हैं गर्ल्स शॉपिंग पे। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कितना ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, पर ये थोड़ा मुझे वर्क रिलेटेड शॉपिंग है, सो तो वो चलता है। दोनों शॉपिंग करना सेहत के लिए अच्छा होता है। सेहत के लिए अच्छा होता है ना। हाँ, तो हर महीने मुझे 50,000 खुद से शॉपिंग करना सेहत के लिए अच्छा होता है। आपने पूरी बात सुनी। कोक ले दो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय। हम आए हैं, मुझे एक सिल्वर ज्वेलरी लेनी थी फॉर माई मदर एंड मेरी फ्रेंड के लिए, तो चलो वो जाके देख लेते हैं। ફાઇનલી લઈ લીધું જે મારે લેવાનું હતું। हमने शॉपिंग कर लिया है, बहुत ही ग्रेट कलेक्शन था। इफ कोई किसी को लेना हो और इस टाइप की ब्यूटीफुल ज्वेलरी लेनी हो, मतलब कुछ पेंडेंट टाइप का स्मॉल इयर रिंग्स, तो डू विजिट यहाँ पे, बहुत ही अच्छी प्लेस थी। मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल चुका है। अब मैं जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है एकता करके, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है, तो उसका डिज़ाइनर स्टूडियो है, तो वहाँ से मुझे थोड़ा गाउन और ऐसा कुछ लेना था, तो मैं उसके वहाँ पर जा रही हूँ। तो लेट्स गो, आप मुझे हेल्प करना सिलेक्शन में और मैं उससे भी मिलाती हूँ। और ये मेरी दोस्त मेरे साथ आज पूरा मेरे साथ पूरा समय गुजारेगी, ये मेरी स्कूल की दोस्त है। हमने साथ में 12th में मैं अहमदाबाद आ गई थी, तो 11th में हम साथ में थे, फिर इतने टाइम से हमारी फ्रेंडशिप थी, फिर पर मिले नहीं थे क्योंकि इसके पास टाइम कम रहता है। हम तो वेले लोग हैं, पर इसके पास कम टाइम रहता है, तो वो आज मिलना ही है क्योंकि मैं कल मुंबई जा रही हूँ। तो उसको ऐसा हुआ कि नहीं, करीना को आज तो मिल लूं, इसलिए आई है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बहन ये जाने वाली है, वरना तो मेरे लकीली मैंने इसे कॉल किया कि मिल ले आज। आज हम मिल लिए तो हम हो गया, इट्स नाइस। तो आज इसको मैं पूरे दिन मेरे साथ रखूंगी और डिफरेंट चीज करेंगे। ओके, हाय हाय। सो ये मेरी फ्रेंड है, जैसे मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, और उसका ये स्टूडियो है। कैसा लगा मेरा स्टूडियो? वाउ छा।
वेरी नाइस। मैं आपको अभी थोड़ी देर में कलेक्शन भी दिखाती हूँ इनका। गाइस तो फर्स्ट गाउन सरस है। मैं फर्स्ट गाउन में मुझे यही पसंद आ गया है है ना, अच्छा लग रहा है। तू बता कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, कलर भी बहुत सूट हो रहा है इस पर। ऐसा दिख रहा है ना, गोरी चट्टी लग रही है। फिटिंग एकदम प्रॉपर है। कमेंट जरूर से करना कैसी लग रही है। और ज्यादातर यूट्यूब चैनल का सर एकता क्वीन 11 डू सब्सक्राइब, और उनका भी ब्लॉग देखना। उनके ब्लॉग में भी अलग अलग कलेक्शन आते रहते हैं, क्योंकि वो हर वीडियो में नए ड्रेस पहनते हैं क्योंकि उनके पास खुद का स्टूडियो है। बहुत सारा कलेक्शन है, आपको भी चाहिए तो जरूर से आना। किरण से एड्रेस ले लेना, मैं नीचे डाल दूंगी मेंशन में। थर्ड ड्रेस, और मैं सभी ड्रेस वो ऐसा होता है कि वो ड्रेस को देख के रोना आता है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं रो दूंगी, क्योंकि प्रीटी ड्रेस है। ओह माय गॉड बहुत अच्छी। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा पहनूं, मेरे को ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। बार अभी मैं बहुत गमी मुझे हिंदी गाइस हिंदी गाइस तो आप मतलब ये में भी मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें किरण बहुत अच्छी लग रही है, क्रीना क्रीना इसका नाम पूरा भी बोल दिया। आप लोग ले भाई क्रीना क्रीना पाटक पाटक नाइस। आई लुक प्रीटी प्रीटी प्रीटी। फाइनली मैंने 3 आउटफिट ले लिया, क्योंकि मेरे को सभी अच्छे लगा। सीरियसली बहुत इतना है मेरे को इतने अच्छे लगे कि मैंने 3 ले लिए। फिर मैं अब डिसाइड करती रहूंगी मैं क्या पहनूं। पर अब हम कॉफी डेट। मैं आपको इनका स्टूडियो भी दिखा दूंगा, आपको अगर चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं वापस जा रही हूँ, हमने वीडियोस बना लिए, बहुत सारी बातचीत कर ली, बहुत रील्स बनाई, तो टीना के साथ बहुत मजा आया। और टाइम का पता ही नहीं चला, और 5 बज गए हैं यहाँ पे, तो उसे घर जाना पड़ेगा। मैंने खाना नहीं खाया अब तक, बोला आपको मैंने बोला था, लेकिन बोला उसने मना किया। मेरी मम्मी फिर मेरे को डांटती है कि मेरे बन आया, ऐसा बोलती है। कोई नहीं, चलो हम वापस मिलेंगे और बाय। सो गाइस हम घर आ चुके थे, फिर हमने खाना खा के फिर हम गए शॉपिंग करने थोड़ा। और उसमें मैं व्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं पता नहीं एग्जॉस्ट होती जा रही हूँ पता नहीं क्यों। फिर हम दोनों ने मेरी पैकिंग की, जस्ट पैकिंग भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इग्नोर द मेस गाइस, ये मैंने बैग ये वाला बैग पैक किया है, फिर अभी ये वाला बैग पैक करूँगी। थोड़ा मैस है अभी क्योंकि और थोड़ा चीज़ें बढ़नी है इसमें, तो मेरा बैग रेडी हो चुका है। और अब मैं थोड़ी देर आराम करने का सोच रही हूँ, फिर हम कुछ वापस थोड़ा कुछ मम्मी कुछ बना रही है तो खाएंगे। एंड फिर ये मेरी दोस्त उसको घर जाने का बोल रही है, मैं तो बोल रही हूँ रुक जा, पर नहीं रुका। गाइस मेरी एग्ज़ाम है तो मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा ना। फिर मैं मेरे घर पे जो गेस्ट आए थे जैसे मैंने व्लॉग में दिखाया था, वो सब अभी कहीं बाहर गए, तो वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे फिर उन सब से थोड़ी देर बातचीत करूँगी, फिर सो जाऊँगी क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है सुबह 7 बजे, तो मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी पहुँचना पड़ेगा उसकी वजह से। या अभी के लिए यही प्लान है। तो अभी वैसे ही मैं आई ट्राई कि मैं डेली व्लॉग करती रहूँ, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय। And don't forget to like, share and subscribe. Okay.